हेलो स्टूडेंट्स, आ गया है क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर 2021। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 हिंदी का जो पेपर है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हिंदी का जो पेपर पैटर्न होगा वो किस तरह होगा और सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, इस मॉडल पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें जिससे आपको 2021 बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न आसानी से पता चल जाएगा और ये भी कुछ क्वेश्चन आंसर भी पता चल जाएंगे। देखिए, सामान्य हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, केवल प्रश्न पत्र और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा खंड का और खंड खा, दो भागों में ये विभाजित होगा। ठीक है, खंड का में आपका हिंदी गद्य पद्य ये सब होगा और खंड खा में आपका संस्कृत व्याकरण होगा। ठीक है, अभी देखते हैं पूरा पैटर्न, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं सेम इसी तरह के बहुत सारे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो का खा गा घा अंगा। ठीक है, इसमें 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जो कि हिंदी साहित्य के होंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है जैसे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा संपूर्णानंद। ठीक है, मैं ऑप्शन एक एक नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने दिख रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। खा देखिए, लल्लू लाल की रचना है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की है, तो वो है प्रेम सागर। ठीक है, ये सही होगा। सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। गा है पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर होगा यशपाल जी पर्दा कहानी के लेखक हैं। और घा है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये सही आंसर होगा। अंगा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि हिंदी गद्य साहित्य से होंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि हिंदी पद्य साहित्य से होंगे। जैसे देखिए, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 10 नंबर स्टार्ट में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी साहित्य का जो, और मैं आपको बहुत सारे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं, तो उनको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, दूसरे का जो है कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी किस युग की रचना, छायावादी युग की, क्योंकि कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के रचनाकार हैं। खा देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, यानी कि इन चारों में से कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी युग का है, तो ये आपका सही आंसर होगा हो जाएगा चौथा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, गा है आपका तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो ये हो जाएगा 1943। ठीक है, तार मतलब 43। ठीक है, घा आपका है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी, घा का सही आंसर होगा आपका चौथा कामायनी, ये द्विवेदी युग की नहीं है क्योंकि इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद भी छायावादी युग के रचनाकार हैं। अंगा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, तो ये जो मामा है ये महाकाव्य नहीं है, बाकी सब महाकाव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये 10 नंबर का दिया जाएगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, हिंदी गद्य से पैसेज दे दिया जाएगा एक ये, और साइड में थोड़ा सा आते हैं तो देखिए, एक ये आपका आ गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, 5 अगर आप कर देते हैं तो 10 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट वाला गद्यांश आपको नहीं पता है तो सेकंड वाला आप कर सकते हैं, देखिए अथवा लगा हुआ है वो नहीं पता है तो ये कर दीजिए, किसी एक को आप दोनों में से कर सकते हैं जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका पद्यांश में भी रहेगा, जो आपका पद्यांश भाग है तो इसमें भी दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये आपका एक पद्यांश है दुर्बलता का ही चिन्ह, इसके लिए भी आपको 10 नंबर दिया जाएगा, ऐसे पद्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ये। ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे, 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, अथवा इसमें भी होगा, मान लीजिए वो आपको नहीं पता है तो आप दूसरा कर सकते हैं, जैसे ये है आपका। ठीक है, ये देखिए, ये आपका दूसरा अथवा वाला है, इसमें भी 5 क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा, अगर आप इसे कर लेते हैं तो 10 नंबर, दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा। ठीक है, तो हिंदी गद्य से भी 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक करना होगा, 10 नंबर मिलेगा। हिंदी पद्य से भी 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक करना होगा, उसके लिए भी 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि 3 आपको दिए रहेंगे,
तीन में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है। समय शब्द सीमा जो है 80, यानी कि 80 शब्द तक आपका होना चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, तो जिसका आपको पता है उसको आप लिख सकते हैं। मैंने भी आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन सबका जीवन परिचय बता दिया, तो जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, खा है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी शब्द सीमा 80, दोनों 5-5 नंबर के रहेंगे, गद्य से जीवन परिचय और पद्य से। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पर, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका पता है उनका आपको लिखना है। 5-5 नंबर एक एक जीवन परिचय का आपको मिलेगा, तीन में से एक आपको करना है, इन तीनों में से भी सिर्फ एक करना है। ठीक है, अब देखिए छठवां है, बहादुर अथवा पंचलाइन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द इसमें भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो बहादुर, पंचलाइन कहानी और इसके उद्देश्य सब कुछ मैं अलग अलग वीडियोज में बता चुका हूँ, तो जाकर आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये वाला नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु बने संक्षेप में लिखिए, तो ये भी 5 नंबर, यानी कि अथवा लगा है, चाहे इसको कीजिए चाहे ऊपर वाले लिखिए। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, छठवां देखिए, ध्यान से पढ़िए, बहादुर अथवा पंचलाइन, या तो आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए या पंचलाइन, दोनों का नहीं लिखना है क्योंकि अथवा लगा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें से दोनों आपको नहीं पता है तो अथवा लगा है, ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु आपको लिखनी है, तो बहुत ही सरल हो जाता है, 5 नंबर। ठीक है, सत्रवां देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे देखिए आपका श्रवण कुमार, रश्मिरथी, अब मान लीजिए श्रवण कुमार आपका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो ये दिया गया है श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, मान लीजिए ये नहीं पता तो अथवा दिया गया है, दूसरा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, 5 नंबर आपको। जैसे आप में मान लीजिए त्यागपति है तो त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये जिस एरिया के हैं आप उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, जहाँ के हैं तो यहाँ पर त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अब ये नहीं पता है तो आप त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अब बात आता है खंड खा का। ठीक है, अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड खा। देखिए यहाँ से आपको संस्कृत और व्याकरण मिलेंगे। अभी व्याकरण में मैं आपको कुछ आंसर भी बताऊंगा। जैसे देखिए आठवें का कहा है आपका संस्कृत, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि इसमें इसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए, किसी एक का आप संदर्भ लिखिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो आपको पता है। देखिए अथवा लगा हुआ है, ठीक है, ये पता है तो इसका कीजिए, ये पता है तो इसका कीजिए, जैसे महामाना मदन विद्वान वक्ता या फिर हंसराज तदेव परसा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको संदर्भ के साथ व्याख्या करना है। नहीं पता है किस प्रकार से करते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में ऐसे ही खा भी इसमें होगा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, पद्यांश या श्लोक। ठीक है, दो दे दिए जाएंगे, एक ये है एक ये है, दोनों में से किसी एक को कीजिएगा, 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, जो आपको पता है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है और उसका अनुवाद करना है। ठीक है, जो आपको पता है कर सकते हैं। यहाँ से आपका आ जाता है ग्रामर पोर्शन। ठीक है क्या कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि इन चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। चारों में से एक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इजी है। उसके बाद में 10वां का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इनके सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है, ये आपका बहुविकल्पीय होगा संधि विच्छेद। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट है तथापि का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तथापि का संधि विच्छेद होता है तथा धन अपि। दूसरा देखिए परमेश्वर का संधि विच्छेद है तो परम धन ईश्वर, गायिका का संधि विच्छेद है गायधन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना होगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे संधि विच्छेद के, तीनों के लिए 3 नंबर। ठीक है, संधि विच्छेद बहुविकल्पीय टाइप, ऐसे ही आपका विभक्ति और वचन भी बहुविकल्पीय होगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि इसमें होगा क्या, शब्द युग्म 2 शब्द दिए रहेंगे, सुनने में समान होंगे, जैसे वसन व्यसन, लेकिन इनका अर्थ आपको सही बताना है। वसन का अर्थ पहले होगा, व्यसन का बाद में, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। देखिए वसन व्यसन, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वस्त्र और आदत, यानी कि वसन का मतलब होता है वस्त्र, व्यसन का मतलब होता है आदत। ठीक है, तो वस्त्र और आदत आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखिए अंबुज अंबुद,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरे का सी, ठीक है, यानी कि कमल और बादल। तो कमल और बादल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंबुद का मतलब, अंबुज का मतलब कमल, अंबुद का मतलब बादल। जो पहले है उसका आंसर पहले होगा, जो बाद में है उसका आंसर बाद में, ठीक है। इसमें खा है आपका किसी एक निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्दों के दो अर्थ लिखे, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है किसी एक का, ठीक है। अंबर, पट, विधि, नाग जैसे विधि का कानून हो गया, तरीका हो गया, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। अब इसका दसवें ग्यारहवें कग्गा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द है, ठीक है। जैसे देखिए, फर्स्ट है जो आंखों के सामने हो उसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा सेम। दूसरा देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से करेंगे। घा है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है, तो ये आपका दो चार दिया रहेगा, दो करना होगा, यानी कि आपको इसमें कुछ गलतियां उसको सुधारना है, ठीक है। बारहवां क्वेश्चन है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण द्वारा परिभाषा लिखिए, ठीक है, यानी कि वीर रस या हास्य रस किसी एक का आपको स्थायी भाव उदाहरण और परिभाषा लिखनी है, दो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने रस छंद अलंकार सब कुछ एक वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप सर्च करेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा देखिए, खा है बारह का अलंकार, ठीक है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, श्लेष या उत्प्रेक्षा किसी एक का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है। का देखिए, दोहा तथा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, यानी कि दोहा का या सोरठा का मात्रा के साथ आपको उदाहरण लिखना है। तेरहवां है आपका पत्र लेखन, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, छह नंबर का रहेगा, या मान लीजिए आप नहीं जानते हैं इसे तो दूसरा कर सकते हैं, दो दिया रहेगा, एक आपको लिखना है, ठीक है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है, अथवा लगा है तो दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। चौदहवां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा निबंध, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, पांच दिए रहेंगे, सिर्फ एक पर आपको निबंध लिखना है जो आपको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निबंध के लिए 9 नंबर दिया जाएगा। तो ये होगा आपका पूरा 100 नंबर का पेपर पैटर्न हिंदी 2021 का, ठीक है, इसी प्रकार से पेपर आएगा। अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उसकी वीडियोज देखिए, सभी मैं आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी गद्य पद्य संस्कृत सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।